Hey, welcome back to our channel. In today's video, I will tell you how to enable auto call recording. यानी कि इस डिवाइस में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें। दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले फ़ोन डायलर में जाइए। फ़ोन डायलर ओपन करने के बाद जब आप किसी भी नंबर पर कॉल लगाएंगे, कॉल कनेक्ट होते ही साइड में कॉल रिकॉर्ड का फीचर्स देखने को मिल जाएगा, तो इस पर टैप करके मैनुअली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल कॉल डायलर में रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले दोनों साइड पे वार्निंग नोटिफिकेशन सुनाई देते हैं कि एक कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। दोस्तों, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ 3 डॉटेड लाइन पे टैप करके सेटिंग्स में जाइए। कॉल सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। अगर आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो प्ले स्टोर में जाके इसका लेटेस्ट वर्सन अपडेट कर लेना। साथ ही साथ फ़ोन डायलर एप्लीकेशन का सभी डेटा एक बार क्लियर कर दीजिए। डेटा क्लियर करने से कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं होगा। कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स के अंदर कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम आपको ऑलवेज रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे। नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, इस ऑप्शन को इनेबल करने से आपके फ़ोन में जब अननोन नंबर से कॉल आएगा वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड किया जाएगा। सिलेक्टेड नंबर, सबसे पहले ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्ट नंबर को टर्न ऑन करिए। इसके बाद चूज ए कॉन्टैक्ट में जाके जिस कॉन्टैक्ट नंबर का कॉल ऑटो रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए। चाहे तो आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। गूगल फोन डायलर में बिना कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट किए आप उसका ऑटो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अगर आपको ज़रूरत है तो एक एक करके सभी कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेट हो गया है। अब यहाँ से बैक आइए। डिलीट रिकॉर्डिंग, बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में नेबर सिलेक्ट रहेगा, मतलब हमारे फ़ोन में रिकॉर्डेड कॉल कभी नहीं डिलीट होगा। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डिलीट करना चाहते हैं तो इनमें से 7 डेज, 14 डेज और 30 डेज चूज कर सकते हैं। डिलीट ऑल रिकॉर्डिंग नाउ, इस पर क्लिक करते ही सभी कॉल रिकॉर्डिंग तुरंत डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें रिकॉर्डेड कॉल गूगल डायलर के अंदर ही स्टोर होता है। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए रिसेंट कॉल लिस्ट में उस नंबर पर टैप करना है, फिर हिस्ट्री में जाके सारे रिकॉर्डिंग डिटेल्स देख सकते हैं। आप कॉल रिकॉर्ड प्ले कीजिए या शेयर बटन पर क्लिक करके इस फाइल को व्हाट्सएप और ब्लूटूथ के थ्रू दूसरे फ़ोन में भी भेज सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।